तो गाइज आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि गाइज यदि आप भी फ्लिपकार्ट पे लेटर एक्टिवेट करना चाहते हो और यहाँ पर गाइज कुछ इस टाइप का यहाँ पर इंटरफेस शो कर रहा है, यहाँ पर कुछ इस टाइप की प्रॉब्लम शो कर रही है, तो गाइज आप इस प्रॉब्लम को ठीक कैसे कर सकते हैं। तो गाइज अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और गाइज बेल आइकन को भी जरूर से प्रेस करके ऑल पर सेट कर देना, जिससे कि इसने आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिला करेगी। तो गाइज वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले गाइज आपको अपने मोबाइल में फ्लिपकार्ट को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर अपने फ्लिपकार्ट के पे लेटर वाले ऑप्शन पर आ जाना है। तो यहाँ पर गाइज आपको कुछ इस टाइप का इंटरफेस शो करेगा गाइज। तो यहाँ पर गाइज ये इंटरफेस इसलिए शो करता है क्योंकि गाइज ये हर पर्सन में लगभग शो करता ही है, जिसमें कि गाइज आपको यहाँ पर कुछ टाइम के लिए वेट करना होता है। यहाँ पर यदि आप रात को यहाँ पर ये वाला ऑप्शन ट्राई कर रहे हैं, फ्लिपकार्ट पे लेटर एक्टिवेट करना चाहते हैं रात के टाइम में, तो गाइज आपको यहाँ पर सुबह तक वेट करना पड़ सकता है। या फिर गाइज यदि फिर भी आपका जो सुबह तक ये एक्टिवेट ना हो तो इसके लिए इसके बाद आपको यहाँ पर अपने जो फ्लिपकार्ट के पे लेटर का कस्टमर केयर नंबर है उस पर गाइज आपको कॉल करके गाइज आपको उसको ये प्रॉब्लम बता देना है, जिससे कि गाइज आपका जो फ्लिपकार्ट का कस्टमर केयर वाला है आपकी इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगा। पर गाइज लगभग तो गाइज आपको यहाँ पर कुछ टाइम के लिए वेट ही करना होता है, जिससे कि गाइज आपकी जो ये प्रॉब्लम है वो यहाँ पर सॉल्व हो जाएगी गाइज। तो यहाँ पर गाइज आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर गाइज नेक्स्ट डे तक आपको सिर्फ वेट करना है। वेट करने के बाद आपकी जो फ्लिपकार्ट की ये जो प्रॉब्लम है वो यहाँ पर सॉल्व हो जाएगी गाइज। तो इस तरह से गाइज आपने फ्लिपकार्ट पे लेटर की गाइज आपके जो ये एलिजिबल की प्रॉब्लम जो है वो यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं गाइज। तो उम्मीद करता हूँ गाइज आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए गाइज, ताकि गाइज आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिला रहेगी। थैंक यू गाइज।